मन बहुत थोड़ा सा खिन्न है कि ये कैसा हमारा देश हो गया है। एक तो गरीबों के पास पैसे नहीं बचे हैं, कैसे कैसे कर कर हम लोगों ने एक दूसरे से मदद लेकर, आपसे मदद लेकर, देश से मदद लेकर ये 3,80,000 रुपये तक पहुँचाए। और उसके बाद भी देखिए, नाहिद आलम का दुर्भाग्य ये है कि अस्पताल में, इतने बड़े अस्पताल में, हज़ारों सैकड़ों मरीजों के अस्पताल में एक ऐसा सिंगल व्यक्ति, सिंगल आदमी नहीं मिला जो ये पैसे लेकर रसीद दे सके ताकि नाहिद का आज ऑपरेशन हो सके। पैसा जमा कराने का एक विभाग है जो पैसे लेकर रसीद देता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, अस्पताल की तरफ से धनतेरस की वजह से दिवाली तक वो विभाग बंद है। अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं वो कसम खाते हैं कि मरीज़ की ज़िंदगी हमारे लिए सर्वोपरि है, चाहे जो हो जाए। एक डॉक्टर की ओथ होती है, एक शपथ होती है कि मरीज़ की ज़िंदगी बचाना हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। तो जे अस्पताल में सिर्फ एक बिल के रसीद के लिए एक इंसान की जान चली जाएगी, वो नौबत वहाँ पर आ रही है। इसमें किसकी गलती है? ये वीडियो तमाम आप लोग शेयर करें और जे अस्पताल का इतना बड़ा जो खामियाजा है उसे देश को बताएं। स्वागत है आप सभी को। हॉस्पिटल में आप लोगों ने हमेशा सुना होगा डॉक्टरों के मुँह से ये कहते हुए कि सॉरी, आपके पेशेंट को हम नहीं बचा पाए क्योंकि आप लोगों ने समय पर रुपया जमा नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, नाहिद आलम के केस पर उल्टा हो गया है। आप लोगों को मालूम है, किशनगंज का एक लड़का जिसका नाम है नाहिद आलम, उसके लिए गुहार लगाया गया था पूरा देशवासियों से, और पूरा देश के लोगों ने, आप लोगों ने मदद किया, तब जाकर 3,80,000 रुपया कैश जमा हुआ। जब हॉस्पिटल में जाकर, काउंटर में जाकर कैश को जमा करने का बारी आई, तब जाकर नाहिद आलम का जो ऑपरेशन होने वाला था वो होगा। लेकिन तो काउंटर पर कोई लोग नहीं था, जो उतना बड़ा हॉस्पिटल पर कोई ऐसा एक भी आदमी नहीं निकला जो कि ये 3,80,000 रुपया लेकर नाहिद आलम का ऑपरेशन कर सके। क्यों, क्या है पूरा मामला, पूरा जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा, जो कि विनय दुबे भाई जानकारी आप लोगों को देंगे बहुत ही डिटेल्स पर, तो आप लोग देखिए। किशनगंज का युवा नाहिद आलम, उसका आज हार्ट ऑपरेशन होना था। आप तमाम लोग जानना चाहते हैं कि नाहिद आलम का क्या हुआ। मैं आज आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा, साथ ही ये वीडियो आप तमाम लोग इतना शेयर करें कि भारत के हर नागरिक तक ये पहुँचना चाहिए, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की एक छोटी सी गलती की वजह से आज नाहिद आलम की ज़िंदगी खतरे में है। तो क्या है गलती, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जिस बिस्तर पर आज नाहिद आलम सोया है, हो सकता है कल इसी जे अस्पताल मुंबई के किसी बेड पर आपका अपना कोई सोया हो। ये जानकारी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस खतरे से बच सकते हैं जिस खतरे में आज नाहिद आलम अपनी ज़िंदगी जी रहा है। आज धनतेरस का त्यौहार है, कल रविवार है और परसों सोमवार के दिन दिवाली मनाई जाएगी। कल रात यानी कि धनतेरस की एक रात पहले 10:30 बजे हमें अस्पताल से सूचित किया जाता है कि कल शाम को 4 बजे नाहिद आलम का ऑपरेशन होना है। सुबह 11 बजे हम लोग आज सुबह, तमाम लोग जो भी इस मुहिम में जुड़े हैं, जो लोग भी आर्थिक तौर पर इस ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, वो तमाम लोग हम लोग 11:30-11 बजे तक अस्पताल पहुँच जाते हैं। 3,80,000 रुपया अपने हाथों में कैश लेकर हम लोग पैसा जमा कराने जाते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा काउंटर था पैसा कैश लेने का, जिसकी लिमिट जो थी वो 50,000-60,000 रुपए थी। यानी कि 50,000-60,000 रुपए के जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी बिल है, जितना भी खर्चा है, वहाँ पर आप जमा करके उसकी रसीद ले सकते हैं। लेकिन हमें जमा कराने थे 3,80,000 रुपए नाहिद आलम के लिए। इतना बड़ा अस्पताल, मुंबई का बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल, वहाँ पर वो काउंटर आज नहीं चल रहा था। 3,80,000 रुपए लेके हम लोग वहाँ के RMO साहब से मिले। RMO साहब ने कहा कि आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, कोई रास्ता निकल सकता है, क्योंकि ऑपरेशन का एक प्रोटोकॉल जे अस्पताल मुंबई में है कि अगर कोई ऑपरेशन करना है तो मरीज़ को जो एक बिल दिया जाता है, एक एस्टिमेट राशि दी जाती है, वो आपको जमा करानी होती है। पहले आप पैसे जमा करा के रसीद ले लीजिए, उसके बाद ही डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे। ये प्रोटोकॉल डॉक्टरों के ऊपर लागू है। हम वहाँ पर जाते हैं कार्डियक विभाग में, वहाँ पर एक डॉक्टर रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पहले आप पैसा जमा कराइए, उसके रसीद ले आइए, उसके बाद ही हम ऑपरेशन करेंगे। मैं जब उनसे कहता हूँ कि ये 3,80,000 रुपये हमारे पास हैं, आप ले लीजिए और ऑपरेशन करिए, तो भी वो तैयार नहीं होते, क्योंकि ऑपरेशन पैसा कराने का एक विभाग, पैसा जमा कराने का एक विभाग है जो पैसे लेकर रसीद देता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से, अस्पताल की तरफ से धनतेरस की वजह से दिवाली तक
वो विभाग बंद है। सोचिए, नाहिद आलम ऑपरेशन के लिए तैयार कर बेड पर बिठाया गया है, 3,80,000 रुपये लेकर हम घूम रहे हैं, इसे जमा करके ऑपरेशन करिए। लेकिन अस्पताल, जो कि इतना बड़ा अस्पताल जे जे अस्पताल, उसके पास पैसे लेने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। इसमें किसकी गलती है अगर मरीज़ को कुछ हो जाए? मरीज़ के परिवार पैसे लेकर, ऑपरेशन का पैसा लेकर अस्पताल के गली गली घूम रहे हैं। अस्पताल के पास एक ऐसा स्टाफ नहीं है जो इस तरह के इमरजेंसी में वो पैसा रिसीव कर सके। आईसीयू में पड़ा हुआ एक मरीज़ नाहिद आलम, जो कि 26 साल का युवा है, जिसके हार्ट में पेसमेकर नामक मशीन लगनी है, अगर उसकी ज़िंदगी को कुछ हो जाए दिवाली तक, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? नॉर्मल जो ज़रूरतमंद परिवार होता है, गरीब परिवार होता है, अस्पताल प्रशासन ये कहता है कि आप पैसे जमा नहीं करा पाए समय पर, इसके लिए आपके मरीज़ को हम नहीं बचा पाए। आज जो हम लोग 3,80,000 रुपये लेकर जगह जगह जाकर लोगों से मिले, वहाँ के आरएमओ से मिले, डॉक्टर से मिले, फिर आरएमओ से मिले, फिर डॉक्टर से मिले, डीन ऑफिस कांटेक्ट करने गए, तो वहाँ इतना बड़ा ताला वहाँ पे लटका हुआ मिला था। सब लोग धनतेरस मनाने में बिजी थे, दिवाली में दिए जलाने में बिजी थे, लेकिन एक परिवार की ज़िंदगी डूबते हुए जा रही थी, वो किसी को नहीं दिखाई दिया। ये आज नाहिद आलम के साथ हो रहा है, कल आपके परिवार के साथ हो सकता है। आपके पास पैसे भी हैं, आपका मरीज़ इमरजेंसी में भी है, लेकिन सिर्फ अस्पताल के पास पैसे लेने वाला कोई नहीं है, इस वजह से आपके मरीज़ को नहीं बचाया जा सकता। अगर आज नाहिद आलम को कुछ हो जाए तो क्या अस्पताल उसकी ज़िम्मेदारी लेगा? इसमें किसकी गलती है? पैसा लेकर मरीज़ का परिवार खड़ा है, लेकिन अस्पताल पैसा रिसीव नहीं कर रहा है। जब तक पैसा रिसीव नहीं होगा, रसीद नहीं बनेगी, रसीद नहीं बनेगी तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा तो मरीज़ ज़िंदा कैसे रहेगा? एकदम गंभीर विषय है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। आप देखिए किस तरह से हम लोग परेशान हालत में नाहिद आलम के लिए वहाँ पर मेहनत कर रहे थे। बाकी आप जो है अपनी तरफ से जो भी कैश होता है, योग्य होता है, उसको वैसे ही रखिए, कुछ निकालिए नहीं, उसको पूरा करके 3,80,000 आपको यहाँ जमा करना है, कैश करना, 3,80,000 जमा कैश करके हो जाएगा, कैश भी ले लेंगे, यूपीआई भी ले लेंगे, जैसे आप देना चाहोगे डी डी बन जाएगा, चेक बन जाएगा, लेकिन ये 3,80,000 का आंकड़ा चाहिए, ये पूरा अपने तरफ से जाना है। ये ओरिजिनल है, कोशिश अभी मैं वो अपडेट करते रहना, कितना टोटल पहुँचा है, जो भी कैश जमा करना है, दूसरे मतलब सबसे जमा करें कितना हो जाए, मेरे को फिगर बता देना ताकि हम लोग भी तैयारी करें, हमको भी अगर समझो कहीं रखना होगा तो उसका प्रिपरेशन करेंगे, नहीं तो लास्ट मिनट पे वही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मंगलवार को दिवाली है, मंडे को दिवाली है, मंगलवार को सुबह 10:30-11 बजे पहला काउंटर पर पहला आपका ही जाना चाहिए, बस सोच के 7 बजे जाके वहीं खड़े हो जाए, पहला रिसीप्ट बनवा लेना, उसके बाद ला के दे देना, इमरजेंसी काम का ऑपरेशन है, उनको हमको ऑपरेशन के लिए प्रेशर नहीं करना, अपना काम हो गया ना, वो दिन हमको ऑपरेशन चाहिए, नहीं होगा तो इस्माइल भाई वगैरह है यहाँ पर सब। दिन भर बड़ी मेहनत के बाद शाम को निराश होकर आज मैं वापस आया हूँ और अभी भी धनतेरस की पूजा नहीं की है। मन बहुत थोड़ा सा खिन्न है कि ये कैसा हमारा देश हो गया है। एक तो गरीबों के पास पैसे नहीं बचे हैं, कैसे कैसे कर हम लोगों ने एक दूसरे से मदद लेकर, आपसे मदद लेकर, देश से मदद लेकर ये 3,80,000 रुपये तक पहुँचाए, और उसके बाद भी देखिए नाहिद आलम का दुर्भाग्य ये है कि अस्पताल में, इतने बड़े अस्पताल में, हज़ारों सैकड़ों मरीजों के अस्पताल में, एक ऐसा सिंगल व्यक्ति, सिंगल आदमी नहीं मिला जो ये पैसे लेकर रसीद दे सके ताकि नाहिद का आज ऑपरेशन हो सके। 3 रात उसे गुजारनी है, और इस दौरान अगर नाहिद आलम को कुछ हो जाता है तो क्या जे जे अस्पताल मुंबई इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? इसमें किसकी गलती है? वो मरीज़ जो 3,80,000 रुपये लेकर उसे जमा कराने के लिए पहले फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर, आरएमओ, डॉक्टर, इमरजेंसी, सारे विभाग को टच कर पाया, डीन ऑफिस चला गया, उसकी गलती है क्या? उस डॉक्टर की गलती है जो उस रसीद का इंतज़ार कर रहा था जिस पे 3,80,000 रुपये भरे जाने के बाद ठप्पा लगा होता? क्या ये उस जे जे अस्पताल के प्रशासनिक विभाग की गलती है कि अपने इतने बड़े अस्पताल में एक छोटा सा कुर्सी लगाकर एक इंसान नहीं बिठा पाया जो इस तरह के इमरजेंसी केसों में पैसा रिसीव कर सके? अगर इसमें कहीं नाहिद आलम जैसे कोई भी मरीज कोई जान चली जाती है तो जे जे अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर तो सिर्फ सॉरी कह के छोड़ देंगे,
लेकिन उसके बाद किसी के परिवार का एक बेटा खो जाएगा, किसी का पति गुम हो जाएगा, एक लड़की जो अभी एक साल पहले ही पत्नी बनी है वो बेवा हो जाएगी, विधवा हो सकती है, एक माँ अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही है घर पे, वो बेटे का साया उसके माँ के हाथों से छीन जाएगा। क्या अस्पताल इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा है? अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं वो कसम खाते हैं कि मरीज़ की ज़िंदगी हमारे लिए सर्वोपरि है, चाहे जो हो जाए। एक डॉक्टर की ओथ होती है, एक शपथ होती है कि मरीज़ की ज़िंदगी बचाना हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। तो जे अस्पताल में सिर्फ एक बिल के रसीद के लिए एक इंसान की जान चली जाएगी, वो नौबत वहाँ पर आ रही है, इसमें किसकी गलती है? ये वीडियो तमाम आप लोग शेयर करें और जे अस्पताल का इतना बड़ा जो खामियाजा है उसे देश को बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।